मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS और MDS के लिए OBC को 27% और EWS कोटे वालों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इस फैसले के बाद OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को हर साल MBBS में लगभग 1500 OBC छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 OBC छात्रों, MBBS में लगभग 550 EWS छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 1000 EWS छात्रों को लाभ होगा। इस फैसले के बाद लगभग 5500 छात्रों को इसका फायदा मिलने वाला है। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम AIQ के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। केंद्र के संस्थानों में ये पहले से लागू है। ये स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी। इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ग से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। बता दें कि 26 जुलाई 2021 को इस मुद्दे को लेकर मीटिंग भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों को इस मुद्दे के समाधान का निर्देश दिया था।